मच्छंद्रनाथ पधारिया कोनी? अलख निरंजन, अलख निरंजन। आज मानव जीवन ने कल्याण वास्ते चिंतन मंथन री आज सभा राखी है। गोरखनाथ आवण वाला है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करो। पहला आप बिराजो गुरुदेव। थारी यहाँ भेंट सप्रेम स्वीकार है। थने आज कहीं अचंबो लागे कहीं? गुरुदेव, नौनाथ 84 सिद्ध पुरुषारे मायने एक आसन खाली की कर। इन दिना एक जति उज्जैन नगरी रे मायने राजा भर्तहरि रे रूप में राग रंग विषय विलास में डुब्योड़ा है। मैं थाने इन प्रयोजन से बुलायो गोरख। आज्ञा गुरुदेव। मानव जीवन रे कल्याण वास्ते राजा भर्तहरि ने संसारी इन मोह माया री जाल में सु निकालने पाछो लावड़ा है गोरख। इन में काई चिंता करो गुरुदेव, मैं लाऊला राजा भर्तहरि ने पाछो। केवणो आसान है, कर्णो घड़ो दोहरो है गोरख। साक्षात सृष्टि रा सृजनहार ने दोहे पावड़ा पाछो फिरनो पड़े। राजा भर्तहरि री रानी पिंगला रे सतीत्व रे आगे। आ काई बोल्या गुरुदेव, 6 महीने ताई आप कैद रहा कामुरी देश री जादूगरनी रे सागे मैं छोड़ लायो आपने। आप आज्ञा करो गुरुदेव। जा, मारी आज्ञा है गोरख। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन। रानी मास में पुरुषों ने जावारी मनाई है। अलख निरंजन। उठो भर्तहरि, जागो। मोह माया ने त्याग 17 मार्ग पर पाछा चालो। मैं थणे लेवण आया हूँ। मारी आज्ञा बिना रंग महल में प्रवेश करण वाला अविवेकी कौन होता? क्यों आया हो अठे? जोगिर राज जगत में दो ही काम, एक भिक्षा मांगणो और दंडित कर शिक्षा देनो। भिक्षा तो मारे राजरे भंडारे से भी मिल जाती, दंडित कर शिक्षा देवो तो इनमें मारो कोई दोष नहीं। दोष है कि नहीं इन दो फैसलो करने वाला था कौन? 92 लाख मालवारा धनी महाराजा भर्तहरि री महारानी पिंगला। जगत कल्याण राज जति ने मोह पास रंग रूप में धकेड़न वाली पापणी। पति ने परमेश्वर मानन पति री सेवा करने वाली स्त्री ने था पापणी के वो। इन सु बुरे शब्द मारे करने है नहीं जो थाने क्यों? जोगीराज, बात रो खुलासो करो। सीधी रिचु देवला तो भिक्षा, दंडित कर देवला शिक्षा। दासिया, राजरे भंडारे सु इन जोगी ने भीख में इतरो दान दे दो कि इनरा झोला भर जावे। मारी भिक्षा पात्र कोई झोला में नहीं समावे। मांगो जोगी, अमूल्य रतन हीरा मोती माणक। ए हीरा मोती पत्थर मारे अंग ऊपर बबूत लगावा, ये मारे वास्ते कंकर पत्थर है। तो काहे चाहिए थाने? दे सके तो आ थारा पति ने दे, मैं थारा पति ने लेवन आयो हूँ। जोगीराज, सतीरो पति इतरो सस्तो कोनी जिको था ले जाए सको। सती जतीरी मांग अतरी नबड़ी नहीं होवे जो मने भिक्षा में नहीं मिले। आ शक्ति थारा में होती तो थे मारी द्वारा भीख नहीं मांगता जोगी। मारी पारक करे सती। पारक तो कोई बराबरी वाला शक्तिशाली सु करी जे, नबड़ा सु नहीं। याद राख जे सती, एक दिन थारा पति ने ले जाऊला। आ बात है तो आ सुता मारा पति देव, थारा में शक्ति होवे तो ले जाओ जोगी। भर्तहरि, भर्तहरि। पिंगला, पिंगला। उठो भर्तहरि, जागो, मैं थने लेवण आयो हूँ। पिंगला बुलावे तो ए भर्तहरि जागे, कोई दूजा सु नहीं। अलख निरंजन। जोगी आगे जावण बढ़िया तो सती अगन रेखा सुबल जरे भस्म हो जावला। अलख निरंजन। साक्षात जमराज भी मारी आज्ञा बिना मारा पति कने कोनी जाय सके। अरे घमंडी स्त्री, थारा सतीत्व रो अभिमान एक दिन चूर चूर हो जावेला। जिन रोज सत्यारो अस्तित्व इन जगत सुमिट जावेला और सत्या नहीं रेवेला तो जति जन्मेला किन मारी कोकसू। जतिया ने जन्म देने वाला ये अमर झोली डंडा नवनाथ सिद्ध पुरुषोरा ये झोली डंडा रखने जाऊं एक दिन थारा पति रे जरूर पड़ेला, ढूंढनो नहीं पड़ेला। अलख निरंजन दासिया उठाओ इन भीख मांगन वाला रा झोली डंडा, ये मारे रंग महल में शोभा नहीं देवे, फेंको बारे। नहीं महारानी साहब, इनमें तो जादू है। हाँ? अलख निरंजन प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सतीर सत्सु मने हारनो पड़ेला ऐसो मैं नहीं सोचियो गुरुदेव। ऐसो कोई उपाय बताओ कि मारे में सामर्थ्यता बढ़े। लग चौरासी योनी में भटकेला राजा भर्तहरि। एडी सामर्थ्यता तो मारे में भी नहीं है गोरख, पर थारी भक्ति योग साधना और तपस्या रे बल प्रताप सु सारी सिद्धियों और जानकार है तू। जा राजा भर्तहरि ने पाछो लेवण जा, हमारी आज्ञा है। जय गुरुदेव। अलख निरंजन। घोड़ो मने पसंद पड़े है सौदागर जी, इंद्र मोल अनमोल है। वाह वाह लो सौदागर जी। विक्रम ओ घोड़ो मैं थारे वास्ते खरीदो हूँ जी महाराज, और रण क्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करावे जेड़ो घोड़ो है। नहीं महाराज, पराजय दिलावे जेड़ो घोड़ो है। इन घोड़े री खामी मैं बताऊँ आपने, आप अभय वचन देवो तो खामी बताऊँ। मैं अश्वविद्या रो जानकार हूँ। अवश्य आप रो परिचय। हर एक विद्या रा कदरदान हा जवान। मैं अश्वपाल हूँ महाराज। अश्वविद्या में प्रवीण हो। आप हुकुम करो महाराज, अश्वविद्या री खामी बताऊं पचे विश्वास कर जो। वाह विवेकी भी हो। विवेक बिना री विद्या रो कोई मोल नहीं, विद्या बिना रो मनुष्य पशु समान है महाराज। नीति विषय रा जानकार लागो हो, सेवक बनवारी योग्यता है थारा में। नीति विषय जरूरी है सेवक रे वास्ते महाराज, सेवक करता मित्र बनवारी योग्यता घणी है थारा में। आ तो आपरी मानता है, उदारता है। एड़ो अवसर मिले मने तो मारी सारी विद्या आपने अर्पण कर दूं, मारो जीवन सफल हो जावे महाराज। इन घोड़े री कीमत आप घणी दीदी महाराज, इन री खामी आपने मालूम नहीं। काई कमी है इन घोड़े में। राई रे आगे पहाड़ है, पहाड़ रे आगे राई। इन रो भेद खोलू तो। हाँ हाँ बोलो अश्वपाल, काई खामी है इन घोड़े में। इन री दोनों आख्यारी पारक करो महाराज। इन री आँखें तो बराबर है। इन घोड़ेरी दो आँखों में एक आँख खोटी है महाराज। एक आँख खोटी है। कौन सी आँख खोटी है? इन घोड़ेरी डावी आँख खोटी है। क्यों बोल सौदागर, कहीं यह बात साची है? बात तो साची है महाराज। मने माफ कर जो महाराज जी, को घोड़ो आप पसंद करियो हो इन वास्ते में काई बोलियो कोनी। मारा ने दता मने माफ कर जो। धन्य अश्वपाल धन्य है। अरे धन्य है थारी अश्वविद्या ने, था सर्व गुण संपन्न सर्व कलाओं में प्रवीण हो। महाराज एड़ी तो घणी सारी विद्या प्राप्त करी है। ए विद्यावा मने कद बतावला। आप मारे आवास ऊपर पधारो महाराज। अब आर तो महारानी ने मैं वचन दे आया हूँ, तो आधी रात ना पधारो। घणी सारी विद्या रो प्रदर्शन करण रो ओ समय उत्तम है। ठीक है, आज आधी रात्रि बेड़ा में मिलोला। राणी, आज मारे अद्भुत विद्या रो जानकार अश्वपाल से मिलनो हो। अबे मारे अश्वपाल रे आवास माथे जावनो पड़ेला। अबार आधी रात रा मने एकली छोड़ने मती जाओ। पाछो बेगो आ जाऊंला। जाओ थारा सु नहीं बोला, थाने तो सजा देवनी पड़ेला। नारी रो रूठ नो मने आछो लागे। रानी सा जिद मत करो, आपनो रूठ नो मने आछो लागे। जो रूप सुहावनो लागे तो सुहावनी से सोनी छोड़र मानी क्यों तड़पाओ महाराज। मारी रीस घणी खराब है। रीस करता आपरो फूटरापणो अच्छो लागे रानी सा। मने एक बार रीस करन दो, पछे थारी बात। यूं रूठो मत रानी सा। रीस री सजा मने मत दो। सजा तो थारा सु न्यारी होए। एडी रिसावला के एक घड़ी तक थारा सु मैं बोलूला नहीं। एक घड़ी तो एक जुग जू लागे। एक घड़ी नहीं, एक क्षण राख जो। जाओ घड़ी नहीं तो एक रे बदले दो ही घड़ी थारे सुनाई बोलूला। तो रानी सा रीस री सजा आप आपने खुद ने दे रहा हो। मने नहीं बोलना री रानी सा। एक घड़ी दो घड़ी थारो मन कीकर मानेला। नहीं मानेला तो जड़ बड़े राख हो जाऊंला। अच्छा हाँ नहीं बोलूला। हाँ नहीं बोलूला। जाओ थाने एकली छोड़र जाऊं तो भी नहीं बोलोला। अरे मने डरावा हो काई। हाँ नहीं बोलूला। नहीं बोलोला ठीक है, जब मैं जावा। छोरी पानी में, छोरी पानी में, छोरी पानी में पग मत धाय कि पग मत धाय के लाग जैसी जुर्माना, ए जुर्माना जुर्माना के थारा लिख जासी थाना में नाम के लाग जाए जुर्माना। ए मुरक बंद कर बग बग, थारा बाप रो कह जाए पाग दो के माथो। अरे मारा बाप रो तो कह जावे कोनी तू अठे सुबी है, देख हिबड़े में देख धक 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 होवे धबकारा बढ़ लिया है। ए धक धक थारा धबकारा बंद कर, ई गांवरा लोग देख जासी तो थाने कपड़ा रे जीव नीचे देला। ओ आयो मारो बाप। था जीत्या और मैं हारा। हाँ अब बार तो मैं जीत्या, काली प्रभाते तो मैं हार जाऊंगा। वो की कर अब बार तो समझ जाऊ नी। नहीं अबार कह दे रानी, खुलर कह दे, मारा थारे कवोड़ी बासु श्रृंगार शतक रो एक श्लोक बन जावे है। मारे हिवड़े में देख, मारे नैना में झांक। महाराज किन कारण सुई है अठे द्वार माथे अश्वपाल उभा है, कह दे महाराज अबार किन सु भी नहीं मिले। ई मिलन वास्ते नहीं संदेशो देवन वास्ते आया है। काई संदेशो है? संदेश वो है कि वचन दिए सु समय सु नहीं आवन वाला नीति सतकरा राजा ने महारा प्रणाम। रानी मैं समय ही नहीं नीति भी चूक गयो हूँ, मने तो जावनो पड़ेला। अश्वपाल पधारो महाराज पधारो, मने विश्वास हो के मारे आवास ऊपर आप जरूर पधारो ला। संदेशारो इशारों में समझो नहीं तो मैं नीति शतक रो सिर्जक नहीं, मां नीति नहीं चुका। महाराज मारे साधना खंड में पधारो पधारो। विराजो। अश्वपाल मंत्र उच्चारण सु मंत्र सिद्धियां प्राप्त होएला? अवश्य, नाम मात्र में ही शक्ति है महाराज, मंत्र ही सब कुछ जात है। मंत्र में ही नारी नर को कलेजो खात है, मंत्र में ही देखी राजपाट जात है, मंत्र में ही देव वश हो जात है, मंत्र ही आदमी री बड़ी करामात है। मने यह सिद्धियां प्राप्त करनी है तो आरंभ करो। महा कहीं करा? आंखें बंद करो, ऊंडा श्वास भरो, ललाट आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करो। बेहसु विदे हो जाओ राजा, भूल जाओ सब कुछ, चित्त मन में एकाग्र करो, ओमकार मंत्र जाप करो। प्रेमलता तू महाराजा ने मारो संदेशो देजे कि महारानी साहब ने याद करे हैं। जो आज्ञा महारानी साहब। महाराज आंखें खोलो, देह ने ढीली करो, अब आपरो आसन धरती से ऊपर है बिना आधार। धन्य है अश्वपाल धन्य है, अरे धन्य है थारी सत्य विद्या न साधना ने। ओम ओम ओम। अब आपरो आसन धरती माथे आई रहो है महाराज। अश्वपाल अश्वपाल ए अलौकिक माया रो जिको अनुभव करवायो, उनरो किन शब्दा में आभार प्रकट करूं? महाराज आपरी खुशी मारी खुशी है। अश्वपाल मने सर्व सिद्धियां सीखनी है, इन वास्ते आपने समय और लगन री जरूर है महाराज। महाराज आपने रानी सा याद फरमाई रिया है। पिंगला, अश्वपाल, मने महल में जावनो पड़ेला। महाराज उन सिद्धियारो काई हो मिला। सिद्धियारो वास्ते समय फिर निश्चित कराला। महाराज, महाराज पिंगला, पिंगला लो आ कटारी। ओ कहीं रानी आवेश्री कटारी है। आप आपरे हाथ सुमारी देह में उतार दो, जिन सुवीरा वेदना सु छुटकारो मिल जावे और पिंगला रिकाया तड़प नो छोड़ दे। घाव थने लागे पण पीड़ा मने होवे। मैं अश्वपाल कने सिद्धियां प्राप्त करने में घणो समय बिताए दियो। मैं माफी चावा। अनेक होरो दान दीवन वाला मालवा पति जाचक बने ना माफी मांगे। इन करती तो मने मौत ही सजा दे दो महाराज। पिंगला, थारो जीवन तुम्हारो अस्तित्व है। जिन दिन संसार में थो नहीं होवेला तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो वचन दो महाराज। जिको वचन देवा है प्राण भी थारा है रानी। प्राण तो मैं जद परनीज ने उज्जैन नगरी में आई उन दिन सुपिंगला रहा है, पर मारा और आपरे बीच में कोई दूजो नहीं होवनो चाहिए। ओ वचन दिलाओ महाराज। बस इतनी सी बात है। आप रोसानी दे संग सब कुछ है। तो लो मारो वचन है। अब तो था राजी। छोरी मायर बाप छोड़या रे, पातल की छोरी घर बार छोड़या रे। पातल की छोरी धोखा मत दे जे रे। ए घेला घर छोड़वारी बात करे। पहला घर बसा पछे ब्याह कर। ब्याव भी निड़ी बिल्कु मैं तो कद पढ़ना सिर थर बाप लियो। सगड़ा साथी पढ़िया अरर रयो कवारो टाबरियो। अरर रयो कवारो टाबरियो। देख मारी बात सुन। बो, 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 बोल 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 बोल। काय करो है? राजा भर्तहरि रे दरबार में एक चमत्कारी पुरुष आयोड़ा है अश्वपाल। ओ नाम मैं भी सुनियो है पण काय करे। जाना थियो जा उनरे पास जा, वो थाने न्याल कर देसी। ए दापो मने ना थियो नहीं केवणो। ना तू केवणो ना तू राम। देख इन दुनिया में नाना रो खेल है। दुनिया में नाना वे तो काना परणी जे। नाना बिना ना थियो नाने ना था लाल। मारो बेड़ो पार करसी अश्वपाल। ले मु जाऊं अश्वपाल कने। जाऊं जाऊं। जा अबे। प्राणनाथ चांद केड़ो फुटरो है? हाँ चाला आपा चांद रे उन पार चाला। ना मैं तो निष्कलंक चांद रे सागे हूँ। पछे उन दागी चांद रे कने क्यों चला प्रिय? दुनिया रा घना घरा कवियां स्त्री रे मुखड़े ने चांद री उपमा दिनी है। धिक्कार है डा कवियों ने जिको स्त्री रा मुख ने चांद रे जोड़े सरकावे है प्रिय। पिंगला स्त्री रे मुखड़े पर आयोड़ा निर्दोष प्रेम भाव कामा सकत नैन मन मोहनी मुड़क जिको प्रेम व्यवहार करे है। ये सब बाता उन दागी चांद कने कटे है प्रिय। महाराज आप श्रृंगार से तक लिख रिया होने। हाँ। कथा ताई लिख चुकिया हो। पूरो होवर न आयो है। प्रिय, थारा मुख मुद्रा माथ है। जद कोई नुवो भावपूर्ण दृश्य देखो, नुवो प्रकरण जुड़ जावे। महाराज, महाराज, आरुत बसंत चाले है। हाँ प्रिय। आ बसंत रुत और चांदनी रात, चांद्रे आगे टिमटिमाता तारलिया, अपना प्रेमरी चुगली खावे। रानी उन चांद ने कह दे, थोड़ो रुक जा, मारी बात अधूरी है। प्रिय, जब तू बोले है, थारी सांसारी सरगम में प्रेम रा गीत सुनी जाए। चलो महाराज, आपा बसंत बिहार में चला। बसंत बिहार आ एक नवा प्रकरण री उत्तेजना है। उत्तेजना नवो प्रकरण। पवन सुगंधी कोयल कूके, भ्रमर पुष्प में सासा फूके, भ्रमर पुष्प में सासा फूके। चंद्रमुखी करती जद नाच, जद धरती पर आवे ऋतुराज। महाराज से नहीं मिल सको हो। दासी, मैं थने संदेश दियो, महारानी ने दियो के महाराज ने? महाराज ने। स्त्री रो मुखड़ो और सुंदरता केड़ी होनी चाहिए। पीन पियोधर श्वेत दंत, मिर्गा नैनी नार, कमल पंखुड़ी होठ है, मुखड़ो सुंदर धार, रूप मंजरी आए जत, शाम केश बिखराए, लता बेल जू लिपटता, बादल तक शर्माए। प्रभु, स्त्री रे सौंदर्य में प्रकृति रा सगला गुण भर दिया, तो पचे पुरुषा में देखण वास्ते काई है? रसिक पुरुषा वास्ते सौंदर्य सु भरपूर स्त्री। प्रभु, आपरो शरीर तो तप रहो है, आप स्वस्थ हो ना? इतरो तो स्वस्थ हूं कि स्त्री रा सौंदर्य ने जाने पछे कामदेव रा लिखोड़ा लेख ने स्वच्छ जगत कने रमणीय रेखा से उकेल तो सकूं। रात रमणीय है, अभी तो चांदनी भी चांद करने जा रही है। इन रमणीय में थारी बाहर पिंजर में कैद हुई जाऊं, जिको पुरुष इन रमणीय प्रकृति ने नहीं समझे वो अभागो है। आओ आओ रानी, इन सुनहरा पल में आपा एक हो जावा। थाने कितनी बार कह दियो, बार बार क्यों आवो हो? महाराज थाने नहीं मिल सके। स्वामी, वाह, आधी रात पछे तरसता और थाकोड़ा पुरुष पति ने आपरी अर्धांगिनी रे हाथ रो पानी पीवने मिले तो पुरुष धन्य हो जावे है। अश्वपाल जी, आपने महाराज भर्तहरि ने मिलने रो एक रस्तो बताऊं? बताओ, काई रस्तो है? काटो काटो ने काटे, जहर जहर ने काटे, लोहो लोहा ने काटे, इड़ीज भात एक स्त्री। स्त्री? महाराज भर्तहरि के रंग महल की राज नर्तकी काम किरणा आपसु और आपरे कामसु घड़ी प्रभावित है। कलाकार रे कलारी कदर करनी तो आपरी महानता है। प्रणाम, बेगा पधारजो। रानी, मने तो एड़ो लागे है थासू मिलन री उतावल में कठे संगीत और नृत्य कला रे जलसे ने अधूरो छोड़न नहीं आवणो पड़े। नहीं नहीं महाराज ओ मत करजो, ओ तो राज नर्तकी री नृत्य कलारो अपमान होवेला। कितना होशियार हो रानी, थारो अंतस तो कह रियो है कि बेगा आई जो, पर विवेक खातिर कह रिया हो कि जलसे ने बीच में मत छोड़ जो। संसारी कुंसी स्त्री एडी होवेला जिको नहीं चावे कि उनरो पति बेगो नहीं आवे। ठीक है मैं जाऊं? बेगा पधार जो रंग महल में। अद्भुत है थारो नृत्य राजनृत्य की, तू तो मारे राजरी शोभा है। थारो जितरो बखान करूं अतरो कम है। वाह अश्वपाल वाह। महाराज हाँ तो सर्व कलावा में प्रवीण हो। महाराज एडी तो घनी सारी कलाओ मैं जानू हूँ। उन कलावा रो परिचय कद कराओला अश्वपाल। आपने मारे आवाज पर आवणो पड़ेला महाराज। महारानी सा हाँ मैं खबर लाई हूँ कि महाराजा अश्वपाल रे घरे गया है। अश्वपाल अश्वपाल जी। महारानी सा सेवक हाजिर है। महाराज कठे हैं। पधारो। एरिया महाराज साधना में बैठा है। मैं आने लेवन आई हूँ। आप नहीं ले जा सको। क्यों? महाराज योग साधना में बैठा है। हाँ, योग साधना सुबड़न मारी भक्ति है। थारी भक्ति में शक्ति है तो अजमाई लो। उठो महाराज उठो। महाराज महाराज मैं आपने लेवन आई हूँ। महाराज महाराज हाँ महाराज। पिंगला महारानी साहब योग साधना में बैठोड़ा महाराज ने अर्ध बीच में क्यों उठावो? जाओ पाछा जाओ। मैं आने लेर जाऊंला। पिंगला महाराज जगत रे दुखी आत्मा और कल्याण री योग साधना रो काई। मारे वास्ते तो सुख और दुख भारी पिंगला है। पिंगला रे दुख रे आगे जगत री कोई भी साथ नहीं है। महाराज महाराज भक्ति कर रिया हो? नहीं रानी, पति लारे सती होने वाली सती ने प्रणाम कर रहे हूँ और कतरो अटूट प्रेम है। मारे राज में आज भी सती नारे है। प्रेम अटूट है पण अधूरो। पति रे सागे सजीव चिता में बड़र सती होने वाली पत्नी रे प्रेम ने अधूरो के वो हो और वो संपूर्ण आत्मा रो समर्पण नहीं है ना। वो तो संपूर्ण समर्पण रो अनादर है। नहीं प्राणनाथ नहीं, आ तो पति भक्ति री प्राकाष्ठा नहीं है। पण था केवड़ो काई चाहो? ओइच के पति रे लारे पत्नी सजीव नहीं उनरो शव जावनो चाहिए। पण ओ सजीव शरीर जाकर बड़र राख हो जाई। सजीव शरीर तो बाजतो गाजतो चिता माथे चठर अग्नि सुजलर राख होवे, पण सती तो वा बाजे जिको आपरे पति रा मृत्यु रा समाचार सुनता ही आपरा प्राण त्याग देवे। ओ सजीव शरीर तो घना विलंबरे पछी आपरा प्राण त्यागे। इन वास्ते ओ संपूर्ण नहीं अपूर्ण प्रेम है महाराज। एडी सती नारिया है कहीं? पारक बिना की कर के आई सका, जहर और सतरी पारक करे कौन? इन बात री पारक करनी चीज है। अश्वपाल जी, महाराज आज शिप्रा नदी रे पार शिकार करन जावेला। आ बात साची है? हाँ बात साची है। तो पछे मारो काम हो जावेला। हाँ। निरंजन रुक जा राजन, हरण रो शिकार करनो तने कोई अधिकार नहीं। जीव मात्र हत्या करनो महापाप है राजन। रणभूमि में युद्ध करनो और शिकार करनो राजाओं और ईशान है। अगर थारा में सत्य है तो इन हिरण ने जीव तो करन दिखा। आ बात है अलख निरंजन। ले राजन देख, ए जा रिया है हिरण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव राजन। महाराज काई सोच रिया हो? आधी रात हो गई है। महारानी सा मेला में बाट जोर या वेला। प्रेमियों री प्रीत एडी हो सकेला? एक रा मृत्यु रा समाचार सुनता ही दूजो प्राण त्याग देला। नहीं, मानविया में तो ऐसो नहीं होवे। हाँ, पशु पक्षियों में ऐसो जरूर होवे है। जीव के सारस में एक मरे तो दूजो प्राण त्याग देवे। मानवियों में वो हो सके कहीं? हाँ हाँ। जीव तारी प्रीति मरा पूछे कुण तू और कुण मैं। आ तो जीव तारी जागीरी है महाराज, कोई किनिरो नहीं है। पर पिंगला तो कहे कि पति रे मृत्यु रा समाचार सुनता ही पत्नी प्राण त्याग देवे, शरीर छोड़ देवे। मिनखा में हुए कहीं? है, कहनी और करनी में घणो फर्क है। इन बातरी पारख हुआ ही खबर पड़े महाराज। पारख देखो महाराज, पारक इनमें महारानी पिंगलारी तो करजो ही मत। अश्वपाल, पारक तो पिंगलारी हो सके है पर दूजारी नहीं। काई बात करो महाराज, आपरा मृत्युरा समाचार वो तो खोटा भेजना पड़ेला। हाँ, मारी मृत्युरा समाचार झूठा भेजना पड़ेला। वो तो अनर्थ हो जावेला महाराज। पर मने विश्वास है कि महारानी पिंगला हर कोई रे मुंडे भेजोड़ा समाचार साचा मानेला कोनी। भारी मृत्युरा समाचार देवन रे वास्ते युवराज विक्रम ने भेजनो पड़ेला। इतरो खतरनाक खेल क्यों खेलो महाराज? क्यों जहरी पारक करो? जिको मने अमृत लागे है वो कठई जहर तो नहीं है। इंडी पारक जरूरी है। अश्वपाल, युवराज विक्रम ने बुलाओ, भारी आज्ञा रो पालन करो। महाराज आकाई बात कर रही हो? महाराज मारो माथो काटने भाभी श्रीरा चरणा में धरन रो हुक्म करो तो मैं कर दूला। मारे तंद्रे चमड़ेरी आपरे पगारी मोजड़िया बनावण रो हुक्म करो महाराज। मारा जेश बता ओ मारा सु नहीं हो सके, मने माफी दिलाओ महाराज। विक्रम थने जावणो पड़ेला। जो आपरी मृत्युरा समाचार साचा होवे तो भी इस देवण में मने 8 दिन लागेला, जबकि ये समाचार तो झूठा वो बनावटी है। मैं झूठ नहीं बोलूं महाराज। विक्रम विक्रम कदई झूठ नहीं बोलेला महाराज, कदई झूठ नहीं बोलेला। विक्रम तुम्हारो छोटो भाई है। हाँ हाँ महाराज, आप महाराज ज्येष्ठ भ्राता श्री राम हो। तो सुन, राम री आज्ञा सु लक्ष्मण सीता री अग्नि परीक्षा रे पीछे घोर जंगल में कालजे माथे भाटो मेलर छोड़ आयो। तू भी मारो लक्ष्मण समान भाई है। राम री आज्ञा रो पालन कर विक्रम। महारानी सा आपसे मिलने वास्ते युवराज विक्रम पधार रिया है। युवराज, महाराज आपरे साथी था। बोलो, महाराज कठे है युवराज? आप बोल क्यों नहीं रिया हो? बोलो विक्रम, बोलो। आप नहीं बोले तो आपने राजमाता री सौगंध है, आपने आपरी भाभी पिंगला री सौगंध है। बोलो विक्रम, बोलो, महाराज कठे है? घोर जंगल शिकार करते वक्त एक हिंसक प्राणी महाराज पर हमला कर दियो। महाराज इस दुनिया में नहीं रही हो महारानी, महाराज की मृत्यु हो चुकी है महारानी। महारानी साहब, महारानी साहब, मैं थाने खोटा समाचार दिया महारानी साहब। भाभी साहब, महाराजा भर्तहरि जीवता है भाभी साहब। भाभी साहब, मैं थाने खोटा समाचार दिया, मन्ने माफ करो भाभी साहब। महाराज से गलती हो गई भाभी साहब। उठो भाभी साहब, भाभी साहब उठो, उठो भाभी साहब, उठो भाभी साहब, उठो। मैं थाने खोटा समाचार दिया, उठो भाभी साहब, उठो भाभी साहब, भाभी साहब उठो भाभी। विक्रम, वो कहीं बोल रही है तू? हाँ महाराज, आपने मृत्यु का समाचार सुनता ही भाभी साहब प्राण त्याग दियो। महारानी सा इन दुनिया में नहीं रहा महाराज, महारानी सा इन दुनिया में नहीं रहा महाराज। पिंगला री मृत्यु, पिंगला, पिंगला। पिंगला, 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 पिंगला। उठ पिंगला, मैं तेरी परीक्षा लेने वास्ते खोटा समाचार भेजा। माफ कर, मालवा पति राजा भर्तहरि थारे सु माफी मांगे। कहीं मैंने माफ नहीं करेला पिंगला। आपा तो साथे जीवता साथे मरता, क्यों एकलो छोड़ न जाए, क्यों मैंने एकलो छोड़ न जाए। आपारी तो जुगा जुगारी प्रीत, जन्म जन्मरी प्रीत है। पूर्व जन्म रा कोल याद कर राणी, हाँ पूर्व जन्म रा कोल याद कर। पहला युग में तू चंपोर में केड़, अपा एक ही क्यारी में भेड़ा रहता है। दूजा जन्म में अपा चकवा चकवी होए, जिको कदे ही न्यारा नहीं होया। अगला जन्म में तुम्हारा सुदूर घड़ी आगे रही, पर मारे साथे नहीं चाल सकी। मैंने छोड़न क्यों जाओ रानी, मैंने छोड़न क्यों जाओ। उठ पिंगला उठ, मैं थारा बगैर नहीं जीऊला। महाराज, ओ आप काई कर रहे हो महाराज? लोग काई कहवेला, लोग कवे जी को कवे। अरे पिंगला तुम्हारी दुनिया है, अरे पिंगला नहीं तो इन दुनिया में जीवन काई करूं। अरे यमराज, घड़ी पर रुक जा, इन मोहतरी पालकी ने रोक दे। मारे ने पिंगला रे मिलन में छेटी पड़ जावे। यमराज स्वर्ग जाती पिंगला मने ओळमो देवेला कि मारी मृत्यु रा समाचार सुनता ही प्राण त्याग दिया, पर था मोड़ो की कर करियो। आज मैं इन जगत इन दुनिया ने बतावड़ो है कि पिंगला और भर्तहरि रा शरीर दो ही हा, पर आत्मा एक ही। आज मैं थारे साथे जड़र मर जाऊं। अलख निरंजन, रुक जा राजन। एक सामान्य स्त्री पिंगला रे वास्ते समस्त मालवारो धनी राजा भर्तहरि बड़र मरे, जगत हसी करेला। एड़ा जगत री मने कोई परवाह नहीं है। अरे पिंगला नहीं तो भर्तहरि नहीं। आत्महत्या करनो महापाप है। 7 जन्म ताई सजा भुगतनी पड़ेला राजन। अरे 14 जन्म ताई मरनो पड़ेला, तो बार बार मरूला। अरे मैं पिंगला बगैर नहीं रह सकूं। मने मारी पिंगला पाछी दे दो राजन। थारी पिंगला पाछी चाहिए नहीं। अरे मने मारी पिंगला दे ओ तो बड़ू लाख मालवारो राज इछावर कर दूं। इतरो प्रेम? हाँ, पिंगला सु है, परमेश्वर सु नहीं। आ बात है तो ले आ थारी पिंगला और थारे अनुभव सु ओळख कि प्रेम करवा लायक पिंगला के परमेश्वर। हे महामाया, आत्महत्या करने ने तैयार होड़ा राजा भर्तहरि ने जीवता राखन वास्ते सदैव चिता सु बारे पधारो पधारो। निरंजन, महाराजा भर्तहरि री जय। महाराजा भर्तहरि री जय। रानी, माथो गूथ काया महकावे, बेणी माथे फूल लगावे। कंचन सी काया थारी, मधुर बेण में लागे प्यारी। थाने लेवण बाह पसारू, भारी सारी उम्र गुजारू। जाओ थे भी, मारी घणी प्रशंसा करी। जयनाथ जी रे, जयनाथ जी रे, जय गुरुदेव। बोल बालक, थारे काय चाहिए? गुरुदेव, मैं घड़ो गरीब आदमी हूँ, कंगाल हूँ और गरीब हूँ। गरीब री इच्छा धन री होए, इड़ कंगाल ने धनवान बना दो। बाकी मारो काम मैं करूला। धन रो काई करेला बालक? ब्याह करूला, लुगाई लावला। ठीक अलग। निरंजन, वो अमर फल है, राजा भर्तहरि ने दे दे, थारी कंगालियत दूर हो जासी। जा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। घड़े कमा महाराज, 12 लाख मालवारा धनी महाराज भर्तहरि री जय हो। कई बात है जवान। अबे ताई मारी भकीरे प्रताप सु और गुरु जी रे आशीर्वाद सु अमर फल प्राप्त यो है। ओ अमर फल आप रे भेंट लायो हूँ। ओ फल तू खुद क्यों नहीं खावे? नहीं अन्नदाता, मैं उज्जैनी नगरी रो साधारण चाकर हूँ। घणो जीव कर काय करूं, पर 12 लाख माल वाला घणी महाराज भर्तहरि प्रजापालक कल्याण के वास्ते अमर हुए। बस इड़ीज वास्ते हो अमर फल आपने भेंट करण आयो हूँ। जवान, ओ फल 2 जन खा सके कहीं? नहीं महाराज, ओ फल 2 जना नहीं खा सके। ओ फल एक जन खावे वही अमर होवे। सिपाही जी महाराज, जाओ प्रधान जी ने कहो इनकी इच्छा पूरी होवे इतरो धन देर विदाई कर जो। जी महाराज भर्तहरि रिज जाए हो। रानी सा वो अमर फल खाएर अमर हो जाओ। नहीं महाराज, वो अमर फल आपा दोनों जना मिलन खावा। नहीं रानी, वो अमर फल एक जनो खाई सके तो ही अमर हो सके। इन वास्ते आप खाओ और अमर हो जाओ। कई बात करो महाराज, वो अमर फल एक जना रे खावन वास्ते है। संसार री तमाम स्त्रियां पति रे नाम रो सिंदूर और चूड़ियां बेरे। सुहाग ने अमर राखण रे वास्ते ईश्वर सु अरदास करे। और पति बिना रो जीवनो धिक्कार है मने, धिक्कार है मारे जीवने में। चंदा बिना री चांदनी, पात बिना री डाल, पति बिना री स्त्री, जीव रो जंजाल। अरे पिंगला बिना रो अमृतत्व भर्तहरि रे किण काम रो। महाराज एड़ो कोई दूजो फल मिल सके? काई दूजो फल? हाँ अश्वपाल, एक अमर फल मारे कने है, दूजो और चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि अमर फल खाएर मैं और महारानी पिंगला अमर हो जावाला। एड़ो दूजो अमर फल मिल सके कहीं? क्यों नहीं मिल सके महाराज, योग और साधना रे बल प्रताप सु सब कुछ मिल सके। मैं तपस्या जरूर करूंगा। इनमें आपने भूलनो पड़ेला अपने आपने। मैं तैयार हूँ, आगे बोलो। मोह माया पिंगला ने पण भूलनो पड़ेला। कितना दिन ताई मने काई करनु पड़ेला? 8 दिन 8 पोर वन में चित एकाग्र कर साधना करनी पड़ेला महाराज। मैं तैयार हूँ भारी पिंगला रे वास्ते। बा अमर तो हो जावला नी? हाँ, आप साधना अबार से शुरू कर दो, कोई विघ्न आवे उन रे पहला अमृत प्राप्त कर लो। अमृत प्राप्त करर मैं और महारानी पिंगला अमर हो जावाला। 8 दिनारे अमर विश्वास पछे तो थारो जोगिंदर ही जाग जावेला। महारानी सा मैं खबर लाई हूँ कि महाराज अश्वपाल री माना 8 दिना ता ही जंगल में घोर तपस्या करेला और मेहला में नहीं आवेला। काई बात करे है दासी, चा मारे साथे चा। महारानी सा इतनी रात रा कठे जाओ? आधी रात रे पछे महारानी भी स्त्री होवे। राज रे सिंहासन ऊपर बैठे रात चलावन वाला पुरुष रात रा स्त्री रे आगे तुच्छ होवे। पृथ्वी ऊपर अपने आपने सम्राट कहवन वाला स्त्री रे चरणा में झुक जावे। और ओ अश्वपाल तो मारे आगे कुछ भी नहीं है। अश्वपाल री लगन सु महाराज ने नहीं छुड़ाऊं तो मारे रूप जोबन और सौंदर्य ने धिकार है। अश्वपाल बाणु लाख मालवारी महारानी पिंगला ने सेवकरा प्रणाम। एडो काई काम पड़े जो आपने अठे पढ़ानो पड़े? अश्वपाल मैं अठे थारे कने वशीकरण सीखने आई हूँ। मारे कने रानी सा? थारे में वशीकरण रो वो जादू भरियो है, मने आपरे वश में होनो आछो लागे। क्यों मने मान दे रिया हो रानी सा? आपरो मान है, मैं महाराज रे मुख सुनियो है कि आप एक अच्छा संगीतकार हो। मैं भी महाराजा रे मुख से सुनियो है कि आप नृत्य में प्रवीण हो। निजरा सु देखिया बिना आप मारी प्रवीणता स्वीकार ली। जिन प्रकार आप संगीत री प्रवीणता स्वीकारी, मारे कने साज रो ज्ञान है, आपरे पगा में झांझर रो झणकार है। नाथिया। ओहो, काहे बात है, आज बन ठण के आयो? अब मैं नाड़ा वगर रो नाथियो नहीं रियो। नाथू राम जी या नाथालाल जी, मैं गुरु जी री कृपा सू नाड़ा वगर नो नाथियो नहीं रियो। नाड़ा नी वेता तो सब मने नाथियो कहता, पर अब श्री श्री नाथालाल जी, जा थारे बाप ने जट बुलाओ, हमारो ब्याह कर दे। अब मारे कन्ने रुपया री कोई कमी कोनी। देख, रुपया पैसा तो जरूरी है, लेकिन मारे वास्ते वो कुछ नहीं है। मने तो वो नातियो चाहिए जो खेतों में पनगट पे मारे लारे लारे आओ तो भी तो। वो आज तू कतरा दिन पचे मिलियो मने? धन कमावणे वास्ते मारवाड़ गयो, रुपयो कमायो, अब थारे वास्ते हेलाड़ी लायो हूँ। काई लाया हो मारे वास्ते बता? पाली रो पीलो, सोजत्री मेहंदी और जयपुरी चुंदड़ी। ना ना ना, हाँ नाथ। नाथ नहीं, नाथ नहीं, प्राणनाथ। हाँ नाथ हो, अब थने प्राणनाथ के हुला, अब तो राजी हो नाथलाल जी। अब आई है दाव में। दाव पाँव छोड़ और बता, कटे है हमारी सोजत्री मेहंदी और पाली रो पीड़ो? बता कटे है? अब चल आपा गौतम जी ने मिलने हाला, आपा चक्री में झूलेंगा, आपा चक्री में झूलेंगा, आपा डोलर में बैठा ला लारा हलने दापुड़िए। अरे आधी रात्रे महाराणी कठे जावे? अश्वपाल, आज री आखरी रात री प्रिय भेंट ओ अमर फल ओ खाएर, आप अमर हो जाओ। आप नहीं खावोला? स्त्री खावे उनसु उनरो प्रिय खायले, आ उत्तम बात है। इन कारण मने खिला रहे हो रानी सा? आज री आ रात अमर रात बन जावे। सप्रेम स्वीकार है आपरी प्रिय भेंट, जीवन भर तक याद करूला रानी सा। अश्वपाल, आपरी जुदाई कदसू होवेला? अब घड़ी इन पलसू। बाणु लाख मालवारी रानी पिंगला पति ने छोड़र दूजा सु प्रेम करन वाली कुलटा, रूप जौबन रो घमंड करन वाली ले, पति व्रतारो ढोंग करन वाली पापणी। अश्वपाल रे हाथा सुमार खाए पाछी आई, वो तो घणो खराबी हो। महारानी साहब, आप रे गया पछे युवराज विक्रम आप रो पीछो करियो और अश्वपाल रे घरे जाए और थाने देख लिया। अबे अबे काई होवेला? महाराज तपस्या करन पाछा आवेला और वानी खबर पड़ेला तो काई होवेला? पिंगला, पिंगला कटा है महारानी पिंगला। दासी बोलो, काई बात है? महाराज गजब होई गयो। काई होयो? महारानी कुशल तो है नी? आप रे गया पीछे महारानी सा सागे जुलम होई गयो। काई बात करो दासी, महारानी माथे जुलम कुण करो, मैं उन्हें जीव तो नहीं छोड़ू। अबे देव तो साची बात बताऊं? अबे है, साची बात बता। युवराज विक्रम महारानी मां साथे जुलम करियो। विक्रम थारी आ हिम्मत। महाराणी सा वारी इच्छा नहीं मानी तो चाबुका से कोड़ा मारिया महाराज। विक्रम थारो फैसलो आज मैं करूँगा। नीच कर्म करो जिंडी थाने सजा मिलेला। अरे थारो नाम लेवता मारी जीभ माथे काटा लागे। अरे पिंगला कतरी भी सुंदर होए तो काई, अरे वाह थारी भाभी है, अरे वाह थारी भाभी माँ समान होवे। तू मारे कोड़ा मारिया भ्राताश्री। चुप कर, थारे मुंडे सु यो शब्द शोभा नहीं देवे। अरे मैं थने लक्ष्मण जतीरो अवतार मान्यो। खून रो रिश्तो नहीं होतो तो मैं थारे तन रा टुकड़ा टुकड़ा कर देतो। पिंगला रे खोले सूतो होतो तो मैं समझतो मारे कनर बेटो सूतो है। पर तू अतरो लंपट वहतो ओ मैं नहीं सोचो। मालवारी बहन री बेटी री इज्जत आज ताई सु सलामत ही, पर थारा जड़ा चरित्रहीन लोग इन देश री रक्षा नहीं कर सके। जा विक्रम जा, मालवारा राजधिराज आछू इनिस घड़ी तने देश निकाले रो हुक्म देवे। महाराज भर्तहरि, मालवारा राज दिराजरी आज्ञा ने सिर माथे राखू। मारे मन में एक पछतावो रही जावे। थारी नीचता में कोई कसर रही है तो बोल, थारी आखिरी इच्छा। भ्राताश्री, महाराजा विक्रम ने देश निकालो दे दियो है। पधारो, आप रो स्वागत है अश्वपाल जी। काम करना आप रे अभ्यास में खलील पड़ी माफी चावा। गुणी जनो रे आवण सो अभ्यास आपो आप बढ़ जावे। काम करना मैं खास प्रयोजन सो आप रे अठे आयो हूँ। आप और आप री कला ने अमर करण वास्ते एक उपाय बतावण आयो हूँ। मैं समझी नहीं, आप काई केवड़ो चाहो? ध्यान सु सुनो, ओ अमर फल है, इन्हें एक जन खावे तो ही अमर होवे, दो जन खावे तो निष्फल हो जावे। ले ईश्वर थारी मदद करे। ओ साचो अमर फल है, इनने खायन में अमर हो जावला और मारे एकली रे अमर होने सु काई हो जावेला। इनसु तो सुख कम और दुख घना भोगना पड़ेला। एक एक कर सगला प्रिय जनों ने मौत रे मुंडे सु मरता देखना पड़ेला। मारे सुकाई इतरा दुख सहन होवेला नहीं, नहीं कदई नहीं। लारला जन्मों में पाप हुआ होवेला जिनसु गणिकारो जन्म मिलियो। अमर हुआ पछे तो जीवन सु छिटकारो किकर मिलेला नहीं, नहीं अमर होया पछे ओइच नाचनो 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 नहीं, नहीं इन करता तो ओ अमर फल महाराजा भर्तहरि ने खिलावनो चाहिए। वे अमर होवेला तो राजरी रैयत में कोई दुखी नहीं होवेला। सारी कलाओं ने आसरो मिलेला, धर्म री रक्षा करेला। मैं वो अमर फल प्रजापालक महाराजा भर्तहरि ने अर्पण करूं। महाराज। काम किरणा। जी महाराज, एक बिनती करूं? बोलो। ओ अमर फल है महाराज, आपरे श्री चरणों में भेंट करने आई हूँ। काम किरणा। जी महाराज। ओ फल थाक न कठे सु आयो। एक कलाकार मने और मारी कला ने अमर करण वास्ते मने भेंट करियो। कलाकार रो नाम जान सकूं? आप रे राज में चावो ठावो नाम है जिन्हें आप जानो। कौन? अश्वपाल। अश्वपाल थने आ भेंट देनी? जी महाराज। तो पछे मैंने 8 दिन तपस्या करण वास्ते क्यों भेजो? वैसे के भारी तपस्या रो फल इनिच खातर मिलनो लिख्यो है। काम करना मने और मारी पिंगला ने अमर करण खातर आ अमूल्य भेंट तो मने दे दी। मैं किन शब्दों में थारो आभार प्रकट करूं? एडो दूजो अमरफल मारे कने है। पिंगला 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 देखो दूजो अमर फल आई गयो। अपा खाए रे अमर हो जावा। जुगा जुगारी वेदना अबे सहनी नहीं पड़े। थारे कने एक फल तो है और दूजो यो। आओ आपा साथे खावा और अमर हुई जावा। मारे कने फल ओ तो मैं दासी ने दे दियो है। आपने छोड़े मैं एकली अमर की कर बनती जिन वास्ते में दासी ने दे दियो है। दासी वो फल शिप्रा नदी में फेंक दियो है। उतावल करी पिंगला उतावल कर दी। क्यों डरो? दासी ने बुलाओ कटा है वो फल। मैं कयो नहीं थाने। मैं स्नान करन पूनम रे शिप्रा नदी गया। दासी ये फल ने नदी में फेंक दियो। आ बात साची है पिंगला। हाँ। अश्वपाल एक शंका रो निवारण करनो है। बताओ अमर फल 2 हो सके या 1? महाराज अमर फल एक जुग में एकज होवे। तो थारे कने कठे सु आयो? जानने काई करोला महाराज। आज थाने बतावणो पड़ेला अश्वपाल। बतावण से दुखरो पार नहीं होवेला। दुखरो निवारण काई हो सके है? अपना पराय लागेला। भले ही लागे। जीवनो धिक्कार लागेला। जीवन त्याग दुला। प्राण सुप्रिय प्रियतमा ने त्यागनी पड़ेला। किनरी बात करो अश्वपाल? महारानी पिंगला। अश्वपाल हाँ महाराज। आप रे वन में गया पचे रानी सा रोज मारे साथे रात्रे रंग रलिया खेलन ने कोई कमी नहीं राखी। अश्वपाल साची बात कितनी कड़वी लागे है। पिंगला जड़ी सती माथे कलंक। सती? पिंगला जड़ी पापिणी पाखंडी स्त्री ने सती क्यों? अरे औरत रहे तो आप सू नहीं तो जावे सगा बाप सू। अश्वपाल थारा जड़ा ज्ञानी पुरुष भी। महाराज मारा जड़ा ज्ञानी पुरुष डरा मारे और काई कर सके। अश्वपाल थने इंडो प्रमाण देनो पड़ेला। पिंगला जड़ी सती स्त्री माथे कलंक मैं स्वीकार नहीं करूं। नहीं महाराज विक्रम निर्दोष है। मारा हाथ सु मारेवाड़ा कोड़ा रानी री पीठ ऊपर आज भी है। इंडो प्रमाण लेनो वे तो पूछो रानी री खास दासी ने। दासी जी महाराज। बता सच बता नहीं तो थारी चमड़ी उतार दूला। रानी री पीठ माता कोड़ा गुण मारिया। बता सच बता नहीं तो थाने जीवती नहीं छोड़ूला। अश्वपाल महाराज। अश्वपाल नाथ। नीच नारी, थारे नाथ ने तो उन दिन ही मार दियो जिन दिन मारी गैर हाजरी में भराया पुरुष सु मिलन पग घर बार ने दियो। अरे पर पुरुष साथ रात बिताई उन दिन ही मने मार दियो पापणी। थारे पग में कांकरो नहीं लाग जावे इन वास्ते मैं मारे हिवड़े ने बिछायो। अरे तू अतरी नीच होवेला ओ मैं कदे नहीं सोचो। प्रभु मारी बात तो सुनो। चुप कर चंडाल, थारे मुंडे सु पति जेड़ो शब्द शोभा नहीं देवे। थारी बाता में मैंने व्याभिचारी री दुर्गंध आवे। मैंने पतो हो तो मैं थारा हाड़ मास रा चामड़ा रे मां मारो जीवन बर्बाद नहीं करतो। अरे मैं हरि भक्ति करतो। प्रभु दूर हट चंडाल दुराचारिणी, थारे स्पर्श रो अंगार थारे अंग अंग में आग लगावे है। कलंक लगाया पहला मने की तो केवण दो। थारो केवणो एक बार मान्यो जिने कारण मारे लक्ष्मण जेड़े भाई ने पीने देश निकालो देर घोर अधर्म कर दियो। आज मैं वो संसार छोड़कर जा रहे हूँ। बोल अबे कहीं छुड़ावे? छुड़ाओ नहीं, छूटनो है। जीवनो नहीं मने तो मरनो है महाराज। अरे जड़ी नारी तो एक पुरुष ने बुलावे, दूजा ने गले लगाओ और तीजा ने बुलावे। विलासनी उल्टा स्त्रियां मरे को नहीं, वे तो कतराई पुरुषा ने मार दिया करे। धिक्कार है पिंगला, धिक्कार है। महाराज इन करता तो तलवार एक बार सुमारा टुकड़ा कर दो। टुकड़ा जरूर कर दो, पण थारे पापारी सजा भुगतन खातर थने जीवती छोड़न एकलो जाऊंला। जीवन री आखिरी सांस ताई तू चैन से नहीं जी सकेला। अरे थारे पापारी सजा भुगतती रहीजे, तड़पती रहीजे, अरे मरती रहीजे कोल्टा। अरे मैं स्त्री धन जोबन में मदमाता संसारिया ने कहतो जाऊला के जागो चेतो। उम्र ओछी है और जीवनो थोड़ो, स्त्री रो जोबन कायम नहीं रवे। और कामदेव ने धिक्कारो, मोक्ष रे मार्ग में वो काम ही आड़ो आवे। जिन्होंने आपना समझो वे आपना है नहीं। अरे आपनो कोई है तो बस ईश्वर, दूजो कोई नहीं है। सब रिश्ता स्वार्थ रा है। महाराज जिन पत्नी ने पति छोड़कर जावे उन स्त्री ने भगवान ने घरे भी जगह नहीं है। मने मने एकली मत छोड़ो नाथ, मत छोड़ो। जगतरी तमाम स्त्रियां ने कहूला कि खोयोड़ा पति ने पाछा लेवण वास्ते ईश्वर से भी लड़नो पड़े तो मती चूक जो। वाह रे प्रभु, थारी माया रो पार नहीं है। साचे मन सु प्रभु रो भजन रो मन करे तो साधन अपने आप मिल जावे। त्यागी रे त्याग रे आगे इन भगवा और झोली डंडा ने माथे पर। अलख निरंजन, खाली झोली डंडा धारण करवासु भगवान नहीं मिले। संसारी मोह माया त्याग, अपने संसारी वस्त्र उतार कर ले। आप कौन? मैं गोरख। गुरु गोरखनाथ रे चरणा में नमन। ए भगवान आपरी वाणी सुनर मारा लक चौरासी रा फेरा टल जावेला। ए संसारी वस्त्र त्याग राऊ गुरुदेव। इतरे सुकाई नहीं होवेला भरतरी, मोह माया रा तमाम बंधन छोड़ निर्लिप्त होनो पड़ेला। स्वीकार है गुरुदेव। पूर्णता पुख्ता पहला परीक्षा करनी पड़ेला। कठोर सु कठोर परीक्षा करो गुरुदेव। असफल हुई गया तो जगत में हंसी होवेला। असफल हुई गयो तो आपने मुंडो तक नहीं दिखाऊला। तो जाओ प्राणों से प्यारी पिंगला ने माँ कहर बेटे रे जू बिलक भिक्षा मांगर लाओ। पिंगला रे कोकसू जन्मों रे बेटे रे समान थारी पत्नी रे आगे भिक्षा मांगर लाओ। जेडी आपरी आज्ञा गुरुदेव। पण इतरो याद राखजे भरतरी, पिंगला रे मुख सु बेटो शब्द नहीं निकले। जटा ताई परीक्षा अधूरी रहेला। अलख निरंजन। आज होवेला जोग और भोग रो फैसलो। भरतरी हारेला तो लक चौरासी जून में भटकनो पड़ेला, जीतेला तो 17 मार ऊपर चालन वाला अलेखो जीव ने प्रभु मिलन ने वास्ते कोई तकलीफ नहीं पड़ेला। अलख निरंजन। Hey. छोड़ी नहीं होए फकीरी, कायर सू नहीं हो। जिनके मन में माया ममता देवे पलक में रोए फकीरी, कायर सू देव। आप रे चरणा में नमन। आयुष्मान भव। भर्तहरि जा जगत रो कल्याण करण वास्ते थारे मेला में अलग जगाओ और जगत रो कल्याण कर। जा मारा आशीर्वाद है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम। अलख निरंजन। अलख निरंजन भिक्षाम देहि मैया। महाराज साधु रिवेश में। लो महाराज। दासी थारे हाथ री भिक्षा नहीं लेनी, रानी पिंगला ने भेजो। बिगड़े भभूति लीधा रे धुनी रे धुकाई जंगल माई रे अंगड़े भभूति लीधा रे भिक्षा देवोनी माता माफ करो, मारो न्याय करो महाराज। न्याय या न्याय, प्रेम या धिक्कार, मारो या थारो, अठे कोई नहीं है। आज मैं इन बाता से ऊपर हूँ। हे माता, मने भिक्षा दे। अलग रे पंथ में थारे बेटे रे पगला कमजोर पड़ जाओला माता। डर मत जाओ नाथ। नाथ तो नवखंड धरती रे भार माथे धर्म रा पंथ चलावन वाला नवनाथ है। दूजा तो सारा थारा बेटा है माता। मने नाथ कहोला तो माँ बेटा दोनों नरक में पड़ाला। मने बेटो के यार भिक्षा दे माँ। मने भिक्षा दे दे माँ। मारा ना मने बेटो कर भिक्षा दे। ओ संसार जुगा जुगा ताई माँ बेटे ने याद करेला माँ। मारे द्वार से जब बेटो खाली हाथ जावे तो दुनिया रा सगला बेटा रो माँ ऊपर सु विश्वास उठ जावेला माँ। ना करोला तो जगत में पवित्र सुपवित्र संबंध री अकाल मौत हो जावेला। अरे पछे तो ईश्वर भी मारे पेट सु अवतार लेवता विचार करेला माँ। बेटो कैर भिक्षा नहीं दे तो थारी निजरा सामे प्राण त्याग दूला। नहीं प्रणाम माता। एक बार बेटो कर मने विदा कर मने 17 मार्ग जानो माँ। एक बार बेटो कह दे। बेटा, बेटा। अलग निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन।